वेलकम टू मोटेट डेली वोकैब सेशन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब्स देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है फ्रेजल वर्ब का, जिसमें पहली है कैच ऑन। कैच ऑन यानी टू अंडरस्टैंड और टू बिकम पॉपुलर, यानी कि कैच ऑन को हिंदी में कहेंगे कि फेमस हो जाना या फिर एक तरीके से लोकप्रिय होना। नेक्स्ट है कैचअप विथ यानी टू स्टॉप बींग बिहाइंड, यानी कि बराबरी पर आना। नेक्स्ट है चांस अपॉन यानी टू मीट और गेट बाई चांस, यानी अचानक से मिल जाना। नेक्स्ट है क्लियर ऑफ, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम यानी आरोप मुक्त करना। नेक्स्ट है क्लोज इन यानी कि चारों तरफ से घेरना। नेक्स्ट देखते हैं वोकेबलरीज में पहला है एंग्विश। एंग्विश यानी कि एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, यानी कि वेदना या फिर व्यथा। नेक्स्ट है एनोटेट। एनोटेट यानी टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन या फिर टिप्पणी एक तरीके से, और एनोटेशन यानी या किसी पुस्तक या तस्वीर में जोड़ी गई टिप्पणी। नेक्स्ट है एनोनिमस। एनोनिमस यानी मेड या फिर डन बाई समवन अननोन, यानी गुमनाम। नेक्स्ट है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी समथिंग या समवन एग्जिस्टिंग बिफोर, हिंदी में पूर्वगामी। नेक्स्ट है अपैथी। अपैथी यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट एंथुसियाज्म और इमोशन, यानी किसी चीज़ के प्रति उदासीनता। नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें फर्स्ट है बैंकक्रप्ट या फिर इंसॉल्वेंट, यानी अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, हिंदी में एक तरीके से दिवालिया घोषित हो जाना, उसको कहेंगे बैंकक्रप्ट। नेक्स्ट है बे यानी अ पार्ट ऑफ सी और लेक इनक्लोज बाई अ वाइड कर्व ऑफ अ श्योर। बे यानी कि हिंदी में खाड़ी, लाइक अ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है बीच, अ स्ट्रेच ऑफ सैंड और स्टोन्स अलॉन्ग द एज ऑफ द सी और लेक, हिंदी में समुद्र तट को बीच कहते हैं। नेक्स्ट बेलिकोस, अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, यानी हिंदी में एक तरीके से लड़ाकू आदमी, बेलिकोस। नेक्स्ट है बेलिजरेंट, इंगेज्ड इन वॉर या फाइट, यानी युद्ध में रथ यानी युद्ध में लगे हुए, बेलिजरेंट। नेक्स्ट देखते हैं ईडियम्स। ईडियम्स में आज के इंपॉर्टेंट देखते हैं। फर्स्ट है ब्रॉड डे लाइट यानी इन डे लाइट, हिंदी में दिन दहाड़े। नेक्स्ट है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड यानी अ वीक अनरिलायबल पर्सन, हिंदी में अविश्वासी व्यक्ति। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी यानी अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, यानी विचारों में मग्न होना, ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट है बुल इन द चाइना शॉप, वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन डेलिकेट सिचुएशन, हिंदी में कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित और केयरलेस तरीके से व्यवहार करता है या फिर जो जगह के अनुकूल ना हो। नेक्स्ट है बर्न अ होल इन द पॉकेट यानी मनी स्पेंड क्विकली, यानी शीघ्रता से खर्च कर देना, बर्न अ होल इन द पॉकेट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मोटेट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।